इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसे सीक्रेट सेटिंग्स छुपे हुए हैं, अगर हम उसे अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं तो हम अपने किसी भी 4G छोटे से छोटे पुराने से पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में भी 5G जैसा अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ वो भी इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ ये फाइनली 5G बीटा के लिए यूज़ होने वाला था, लेकिन दोस्तों आप अपने 4G एंड्रॉयड फ़ोन में इस सेटिंग्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो दोस्तों आप अपने 4G एंड्रॉयड फ़ोन में चाहे वो किसी भी कंपनी का हो किसी भी मॉडल का हो उसमें आप 5G जैसा अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस इंटरनेट सेटिंग की सबसे खास बात ये है कि आप इसे अपने किसी भी सिम कार्ड चाहे वो वोडाफोन आइडिया जियो या अदिति कंपनी का हो आप उसे अपने 4G हैंडसेट में यूज़ करके 5G जैसा अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट स्पीड ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसलिए आज की इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा अगर आप इस सेटिंग्स को अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली हमारी वीडियो पे एक छोटा सा लाइक करना होगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी के बटन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें। दोस्तों यहाँ आपको कमेंट सेक्शन मिलता है, दोस्तों आप यहाँ से हमें कोई भी अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, जैसे नाइस वीडियो या कुछ भी कोई भी अच्छा सा आप कमेंट कर सकते हैं। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। सो दोस्तों अगर आप इस इंटरनेट सेटिंग्स के लिए जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रा सा स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस इंटरनेट सेटिंग को यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ोन में अल्ट्रा फास्ट 5G इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली अपने मोबाइल के सेटिंग्स में चले जाना है। दोस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ क्लिक करना है। और दोस्तों आप जिस भी अपने सिम में इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं 5G इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं जिसमें आप सेटिंग्स क्लिक करना चाहते हैं आपको उस सिम के आइकन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं 4G जियो 4G का सिम यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन आपको मिलता है या आपके फ़ोन में APN का ऑप्शन आपको मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्लस के आइकन पर या न्यू APN पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से एक APN को क्रिएट करना है, तो जिससे मतलब हम अपने फ़ोन में अपने 4G फ़ोन में 5G जैसा अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट यूज़ कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे ऊपर हमें ये एक फॉर्म मतलब हमें फॉर्म मिलता है तो हमें इसे फिल करना है। तो दोस्तों सबसे ऊपर हमें नेम का ऑप्शन मिलता है तो दोस्तों यहाँ हमें नेम में यहाँ लिखना है 5G प्राइम बीटा। दोस्तों हमें नेम में लिखना है 5G प्राइम बीटा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो 5G का जो दोस्तों जो G है उसे भी कैपिटल में रखना है और इसके मतलब जो पहले पहले अक्षर है प्राइम और बीटा के आपको वो भी कैपिटल में ही रखने हैं। तो दोस्तों 5G प्राइम बीटा लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है APN का। दोस्तों APN में हमें लिखना है 5G 2020। दोस्तों आप देख सकते हैं 5G 2020, यहाँ में सभी जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में ही लिखने हैं। दोस्तों हमें ओके कर देना है। दोस्तों ऐसा करने के बाद हमें प्रॉक्सी नोट सेट पोर्ट नोट सेट और दोस्तों यहाँ यूज़र नेम, दोस्तों यहाँ यूज़र नेम में हमें लिखना है 5G दोस्तों यहाँ हमें लिखना है बीटा टेस्टिंग 5G। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर हमें जो सभी लेटर्स हैं वो जो स्मॉल लेटर्स में ही लिखने हैं तो फिर हमें ओके कर देना है। ऐसा दोस्तों करने के बाद हमें पासवर्ड नोट सेट सर्वर भी दोस्तों हमें कोई भी नहीं डालना है। दोस्तों इन सभी सेटिंग्स को हमें कुछ भी नहीं छेड़ना। दोस्तों यहाँ हमें MCs मिलती है और MNC सेटिंग्स की मिलती है तो दोस्तों हमें इसको भी नहीं छेड़ना। अगर आप इसे छेड़ेंगे तो आपका जो इंटरनेट है वो पढ़ने की बजाय इसकी स्पीड और ज़्यादा कम हो सकती है, इसलिए हमें इन्हें नहीं छेड़ना। ऑथेंटिकेशन टाइप नोट सेट APN प्रोटोकॉल नोट सेट APN टाइप नोट सेट दोस्तों हमें APN प्रोटोकॉल मिलता है। तो दोस्तों कई फ़ोनों में ये IPv4 या IPv6 सिलेक्ट होता है तो हमें दोस्तों IPv4/IPv6 यानी ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। दोस्तों फिर हमें APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसे भी हमें IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों फिर हमें यहाँ बीरर का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों बीरर जो सबसे पहले दोस्तों पहले से हमारे फ़ोन में अनस्पेसिफाइड सिलेक्ट रहता है तो हमें अनस्पेसिफाइड को अनसिलेक्ट कर देना है दोस्तों, और बाकी जो बीरर हैं उन सभी को हमें सिलेक्ट कर लेना है। और फिर दोस्तों हमें ओके पर कर देना है। दोस्तों ओके पर हमें कर देने के बाद यहाँ
MVNO टाइप, इसे भी दोस्तों हमें नहीं चलना है। और फिर दोस्तों हमें यहाँ मोर पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें इस APN को सेव कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आप देख सकते हैं ये 5G Prime Beta का APN क्रिएट हो चुका है। तो हमें दोस्तों इसे डिफ़ॉल्ट APN यूज़ कर लेना है। तो दोस्तों आपको बस यही सेटिंग्स करनी है और दोस्तों इस APN को आपको डिफ़ॉल्ट APN पे यूज़ कर लेना है और फिर दोस्तों आप अपने इंटरनेट की स्पीड उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों जिन जिन लोगों की मतलब इंटरनेट की स्पीड पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, तो दोस्तों वो लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए दोस्तों प्लीज़ आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मन में अगर कोई सवाल रहता हो तो आप हमें कमेंट करें। दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो गाइज़ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू ट्रिक के साथ। सो तब तक